आ जाते हैं, मानो हिसके हिसके से आ जाते हैं, क्या बोले, हरिद्वार में आ जाते हैं, हरिद्वार से आगे चलते इलाहाबाद तक पहुंच जाते हैं, टकराते टकराते बाधा आ जाते हैं ना, जहाँ पर बाधा आई तो उस रुक जाते, क्योंकि उसके संकल्प कर लिया मुझे समुद्र से मिलना, इसलिए जहाँ पर टकराना हो जाता है तो वो आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ करके फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगे चल जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इलाहाबाद गया, फिर गया आदि जाते हैं, फिर बंगाल में, बंगाल खाड़ी में है ना, इसमें प्रवेश किया, बंगाल के पार करके फिर उड़ीसा, उड़ीसा के पार करके फिर समुद्र में। तो कहने की तात्पर्य यह है, उसी प्रकार कोई जीव भजन करते करते अपने लक्ष्य को स्थिर कर लेते हैं, और कुछ भी बाधाएं हो, समस्त बाधा को वो पार पार करके अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। इसके कहा जाता है जो संकल्प कहा जाता है, क्योंकि संकल्प बिना अपने लक्ष्य तक को पहुंच नहीं पाते, आपको संकल्प करना पड़ता है। एक महीने मैं वायुमंडल परिक्रमा करूंगा, किंतु आपने नहीं किया तो आपको क्या लगता है, दोष लगते हैं, तो वाय लगते हैं। आपने जो संकल्प लिया पूरी नहीं किया, इसलिए अपराध बन जाता है। इसलिए किसी को कहा, वैष्णव की कहा, आपको मैं 5% दूंगा, 5000 रुपया दूंगा, तो दिया ही नहीं, उसको मान लीजिए दूंगा अपराध है। इसलिए किसी को बोलना नहीं चाहिए है, नहीं कितने पैसे तुम्हें देंगे बोलना नहीं चाहिए, यही विचार है। Because if you don't give the person much, if you don't give as much as you told that you only would give the person, you should not tell. And you should be keep things in your heart. हृदय में रखो, बोलो मत। Yeah, which things, like how much? रागात्मिक में भी दो भाग बताए, इसमें कामात्मक और संबंधात्मक। कमात्मिक भक्ति जैसे गोपियों की जो भक्ति जैसे कमात्मा भक्ति का ईश्वर की सेवा, काम शब्द अत्यंत घृण्य शब्द कहा जाता है, किंतु वैष्णव शास्त्र में काम शब्द अत्यंत पवित्र शब्द माना जाता है। काम शब्द को प्रेम, इसलिए शास्त्र में लिखा प्रेमी वो गोपाराम कमाई को मित्र विधि रहती। गोपियों की जो प्रेम यथार्थ वो शुद्ध काम, और गोपियों की जो प्रेम है वही शुद्ध प्रेम कार्य, तो इसलिए काम और प्रेम में कोई भेद नहीं है। किंतु जो अनधिकारी व्यक्ति है उसके अंदर एक उसके निकट जो ये सब तो बोले समझ नहीं पाएगा है कि नहीं। अच्छा चलो हो गया, संबंध जिसके श्लोक के विच्छेद करके देखो, संबंध आत्मा जिसके हृदय में आत्मा में संबंध है, जैसे ब्रजवासी जिसके दास सख वात्सल्य आदि में संबंध आत्मिका रहता है, जैसे नंद जसदा कृष्ण के प्रति क्या संबंध रहता है, वात्सल्य भाव, पुत्र पिता की संबंध रहता है, तो पिता पुत्र की संबंध ये क्या हो जाता है, नित्यता हो, नित्य हो जाता है, किसका, नंद जसोदा। ठीक उसी प्रकार जो मैं जो कह रहा था कि कृष्ण के संबंध जो है वो क्या है, नित्य है, गुरु के साथ हमारा जो संबंध है नित्य है। गुरु के साथ शिष्य के संबंध क्या होता है, नित्य है, इसलिए कहते हैं ना
समंदर लैया भजे हरे कृष्ण वाणू परफॉर्म भजन साधन विद समंदर का द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप उनकी कोई फॉल डाउन नहीं होता समंदर के वो संबंध कहाँ से मिलता है वो संबंध जो है इसमें नहीं मिलेगा क्या बोले बाजार जो होता है क्या बाजार बोलते हैं उसको सब्जी बाजार हाट बाजार क्या बाजार बोलते हैं जिसमें बिग बाजार मॉल बिग शॉपिंग हाँ अच्छा उस मार्केट में नहीं मिलता है सब्जी मंडी में नहीं मिलेगा सुपर मार्केट सुपर मार्केट में नहीं मिलेगा ये भक्ति जो है ये भक्ता संजाति भक्ता भक्ति भगवत भक्ता संजाति भक्ता भक्ति के द्वारा जिसके हृदय में भक्ति है उनकी संग आदि करने पर वो अपने आप अपने हृदय में क्या होता है संक्रामित हो जाता है संक्रामित समझते कि नहीं क्या एक से दूसरे को ट्रांसफॉर्म हो जाता है आइए दिखाते हैं हाँ सर उसे कहा दिया है भक्ता संजाते किसके हृदय में भक्ति है उसके संग करने पर वो भक्ति फिर उसमें ट्रांसफर इसलिए बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में भक्ति के क्या कहा संक्रामक जथा संक्रामक व्याधि जैसे बीमारी इन्फेक्शन यथा उसे बृहद भागवत लिखा है ना भक्ति व प्रेम एज लाइक ए संक्रामक व्याधि संक्रामक व्याधि जैसे किसी के इन्फ्लुएंजा हो कॉन्टेजियस होता है ना जैसे किसी के आई फ्लू हो गया उसके आई कॉन्टेक्ट करने के साथ ही आश्चर्य आई कॉन्टेक्ट करने के साथ ही साथ उसके भी कोरोना वायरस कोरोना वायरस थोड़ा सा जैसे ये कैसे निश्चय होता है कि हमको यही गुरु मिलेंगे ये कुछ जैसे आप कह रहे हैं नित्य संबंध और शिष्य वो अचिंत शक्ति कृष्ण के अचिंत शक्ति योग में व्यवस्था करते हैं आपके हृदय में जो रसगत वैशिष्ट है रसगत वैशिष्ट है क्या बताया एक एक शब्द के आप समझने के प्रयास करता है रसगत वैशिष्ट है तो सख वात्सल्य माधुर्य रस है किंतु उसमें रसगत वैशिष्ट होने पर भगवान की अचिंत शक्ति उसके उसी प्रकार वो गुरु के मिला देते हैं अथवा उसको मिला करके आगे चलते रहते हैं क्या बोला रसगत तो उसको अपने आप रसगत वैशिष्ट मिला देते हैं उसके अनुसार भगवान व्यवस्था करते हैं यही होता है रसगत वैशिष्ट पूर्व जन्म में कहाँ अनंत कोटि से हम पहले क्यों नहीं आए रोने को करा ऐसा था पूर्व जन्म में कभी उनसे मिले थे हम कभी ये जो आप बोल रहे हो ये स्थूल विचार में जा रहे हैं ना अच्छा गुरु जो होता है स्थूल विचार में नहीं होता है इसलिए गुरुदेव पूछ रहे थे वो रोहिणी नंदन पूछा था गुरुदेव ये गुरुदेव हम तो भजन साधन नहीं कर रहे अभी भजन साधन हमारी कोई गति ये नहीं है किया नहीं मैंने और जो कुछ भी कर रहे अभी पूरा परिपक्वता नहीं हो है क्या लोग कहते हैं जे मुझे उद्धार करने के लिए गुरु बार बार आएंगे आपने भी कहा है गुरु बार बार नहीं आते गुरुदेव ने कहा मैं नहीं आऊँगा उसमें देखना टेबल का जो जो इसके क्या बोले रोहिणी नंदन पूछा था कौन करुल बाग बोले बोले मैं नहीं आऊँगा बोले तब तो हम लाखों शिष्य गए क्या बोल मैं आते ही रहूँ वही करते रहूँ क्या तुम नरक में चले जाओ जैसे ही बोलते हैं ना जैसे परम गुरु भी बोल रहे हैं जो हमारे कोई शिष्य नरक में चले मैं भी नहीं ये केवल कहीं कहीं ये कथा को उत्साह देने के लिए कहा जाता है
गुरुदेव तो अपने कहा कौन मुझे उतार, बोले देखो हमारे भाव वाले वह जो है भाव माने तो मूड हो गए ना, मेरे भाव वाले व्यक्ति भगवान की इच्छा से वो आएगा भाव के अनुसार है, जैसे गुरुदेव की जो भाव उनके जैसे भाव वाले उनके भाव वाले आएगा वो, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा वो स्वयं नहीं आएंगे, उस भाव के अनुसार वाले दूसरे आएंगे, हाँ सर। फिजिकली वो नहीं आएगा, फिजिकली उनकी पुनः आपको दर्शन नहीं मिलेगा, किंतु उनकी जो भाव वाले वही आए वो ले, तो नहीं तो गुरुदेव वहीं पर सेवा कैसे करेंगे, तो हमारी एक शिष्य चलेगा वो तो अनंत काल से चलते रहेगा, जिससे शिष्य करते वो तो एक भजन नहीं किया फिर दूसरे साल 10 साल 20 साल तो वही करते, इसलिए गुरुदेव कह रहे मैं नहीं आऊँगा। उसे टेप रिकॉर्ड सुनना सुनना उसको अरे ये सब उधार ये सब क्या करते हैं, उत्साह देने के लिए कहीं कथा जो है ठीक हो, कहीं कहीं ये कथा जो होता है उसको क्या कहते हैं इनकरेज करने के लिए है सर, नहीं तो गुरु के प्रति विश्वास नहीं रहेगा, गुरु के काम नहीं है तुम नरक में चले गए फिर दूसरे कहें मैं नरक में जा रहा हूँ, गुरु के फिर गुरु के काम नहीं है नरक में। शिष्य कैसे उद्धार करूँ, वही उनकी स्वरूपगत भाव वाले वही आएगा वो आपके, तो इसलिए स्वरूपगत अभिन्न हो गया ना वो। आप फोन भी करोगे ऐसे भी नहीं, फोन छोड़ दो कथा सुनो, कथा ठीक से सुनो। जी गुरुदेव की जो भाव जो है, रमन मन जी की जो भाव है, और रमन मन जी नहीं आएगी वो है, रूपमंजरी नहीं आएगी, उनके भाव वाले जैसे कहा जाता है रूपमंजरी के भाव वाले कौन है, विश्वनाथ चक्रवर्ती के भाव पढ़ा कि नहीं बोला, तो फिर रूपमंजरी नहीं आएगी वो, रूप गोस्वामी पद नहीं आए। आज उसमें लिखा है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती के जीवन चरित्र वर्णन करते हुए लिखा है जे रूप गोस्वामी पद की भाव जो है उसे स्वर्गत भाव में विश्वनाथ चक्रवर्ती, रूप गोस्वामी पद नहीं आ रहे और रूपमंजरी नहीं आ रहे, तो इसको समझना चाहिए है, तो यही कहते जा रहे हैं। हाँ उनकी अपने भाव वाले उसमें, इसीलिए बता रहा ना उसके गौन होता है, गौन होता है जूत होता है, उस गौन जूत वाले की वो देवता है, और फिर राधा जी उसको भेजेंगे, जैसे कुप कुमार कह रहे हैं किसको कह रहे हैं, अपने शिष्य जन शर्मा की कह रहे हैं, माथुर ब्राह्मण की कार्य, ये कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे थे और मैं भी कृष्ण के गोचारण के लिए तैयार हो गए, चलना शुरू कर दिए। इतने समय राधा जी मुझे इंगित से मुझे अपने निकट बुला लिया, कहने लगे स्वरूप मैंने गोप कुमार के जो सिद्ध सरस्वती के परिचय क्या है स्वरूप, ये स्वरूप तुम आज कृष्ण के साथ गोचारण करने के लिए मत जाओ, मेरा ये आदेश है, जो कृष्ण करें सर तुम मेरे साथ गोचारण के चलो, इसलिए स्वरूप गोचारण के लिए चल रहे, माने दो कदम चल दिया। और इतने समय उसमें पढ़ना बृहद भगवतम, इतने समय राधा जी अपने आंखों की दृष्टि के द्वारा स्वरूप के बुला लिया अपने निकट, कर दिए स्वरूप तुम आज गोचारण के लिए मत जाओ, इनके स्वरूप जो है इसके सख भाव है कौन, गोप कुमार का, ये कह रहे जाओ तुम्हारे उस शिष्य के तुम लेकर के आओ, वो जन शर्मा जो है माथुर ब्राह्मण उसके तुम लेकर के आओ, तुम मर्त्य लोक में जाओ। तो उस समय उन्होंने किया कि गोप कुमार ने किया कि ना गोलोक वृंदावन से फिर इस मर्त्य लोक में आए, और आकर के फिर वही स्थान पर बैठे, कह रहे
ये राधा जी के आदिष्ट होकर के, राधा जी के आदेश प्राप्त करके मैं ही जो है यहाँ पर तुम्हारे लिए अपेक्षा कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं। यहाँ पर कुछ शब्द बोलने पर शिष्य थोड़ा ये हो जाता है, पजल हो जाता है, है? किंतु गुरुदेव ने एक बार कहा दिया था, उस समय सभी के चित्त जो धमाडोल हो गया था, गुरुदेव के मुख से निकल गया था। आप पढ़ें ना वो गुरुदेव के जो टेप यदि हो आपको मिलेगा सर। गुरुदेव कहते हैं, उसी संदर्भ में कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं जो सदगुरु जी आते हैं केवल एक ही शिष्य के लिए आते हैं, एक मुख्य शिष्य के लिए आते हैं, वो सबके लिए नहीं। किंतु मुख्य शिष्य के आने पर और सारी और बाकी जो शिष्य है वो आगंतुक रूप में उनके साथ योग हो जाता है। उनके साथ में आगंतुक समझते कि नहीं, आगंतुक किसको कहा जाता है? बाहर से आया और चला जाएगा। आगंतुक जैसे अतिथि के रूप में, जैसे उदाहरण दिया आगंतुक शब्द, एक एक शब्द के अर्थ समझो तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मैं बोला तो आप लोग क्या बोला, आगंतुक किसको कहते? अतिथि कहा जाए, जो तिथि बा नहीं समाचार नहीं दे करके जो आते हैं उसके कहा जाता है अतिथि बा आगंतुक कहा जाता है। अरे ज़्यादा बात बोले, सुनो तो पहले आने बैठे। जैसे आप अपने घर में कितने व्यक्ति है? चार व्यक्ति हो, चार व्यक्ति ने रसोई बनाए, इतने समय आपके कोई काजी ना आ गया, काजी ना आ गया तो आप क्या करोगे? उनके लिए अलग रसोई बनाओगे कि जो रसोई वो तो बन गया अभी, मानो रसोई बन गया, ठाकुर जी की भोग लग गया, खाने के लिए आप बैठे, इतने समय एक व्यक्ति आ गया है, वो आपकी अतिथि से कहते हैं, न तिथि इति अतिथि, तिथि के साथ नहीं है, माने कोई प्री प्लान विदाउट इन्फॉर्मेशन वो अकस्मात आ गए, तो आप क्या करोगे? जो खाना बनाया और उसी भाग करके खा लेंगे ना, एक व्यक्ति के लिए फिर पुनः आपके शुरू से रसोई बनाओगे, उसी में शेयर करके ले चलेगा, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार ये बोलने से आपके आप जो थी विचारशील नहीं हुआ, आपके मान दमादल हो जाए, ले गुरुदेव किसके लिए आए? उसके साथ में सब और भी उसके साथ, उसमें लिख रहे हैं, उसमें भी लिख रहे हैं सनातन, उसकी टीका पढ़ो, दिग्दर्शनी है व्यास भगवत की टीका जो है दिग्दर्शनी। एक सदगुरु जो आता है एक शिष्य के लिए, एक शिष्य के लिए आता है, प्रधान एक शिष्य के लिए आ जाता है, सबके लिए नहीं है। रास किसके लिए हो रहे हैं? सबके लिए रास थोड़ी हो रहा है, राधा जी की रास है। और साहब गोभी तो आगंतुक है, बंसी बजा आगे तो चलो राधे राधे, उसमें कर राधे राधे बोली मुरली बाजी, मुरली लोगे मोदी ईश्वरी ना भक्ति ठोकर ना, मेरे राधा जी की वो बुला रहे हैं, कोई मंजरी के कृष्ण नहीं बुलाते हैं, तो मंजरी किस लिए आ रही है? कहते जथा राज छत्रवत बा राज छत्रवत छत्रधारी, राजा के जो छत्रधारी जो है राजा के साथ चलते हैं, राजा उसको थोड़ी बुलाते, उसके दंड यही है, काम तो उसके ही है, आएंगे आएंगे वो आते हैं है? और साथ ही साथ छत्र दंड जो है वो छाता की जो छाया वो भी राजा के भांति समान उपभोग करते हैं, समझ में आया कुछ? क्या आप समझा कि जो मान सम्मान जैसे उसको राजा ले रहा है वो जो छत्रधारी हैं वो भी प्राप्त करते हैं उस चीज को, जो छाया जो है छत्र धारण कर छाया के लिए है, मानो मैं चल रहा हूँ मेरे ऊपर जो छत्र छाया छत्र धारा, अच्छा उसके छाया उसके ऊपर आ रहे कि नहीं आ रहे? किंतु वो छत्र धारण के अपने के लिए नहीं, वो छत्र धारण किया किसके लिए? राजा के लिए। किंतु देखो राजा के जो छाया जो उपभोग था उनको भी मिल रहा है, उसी प्रकार कृष्ण मंजरी के नहीं बुलाया,
राधा जी की बुलाने से क्या हो जाता है, वो मंजरिया अपने आप आ जाती है, समझ। क्योंकि ये मंजरिया जो है राधा जी के क्या होता है, अरे शब्द बोलो क्या बोलते हैं, जथा जथा छायावत, छाया के भांति रहती है, अगल बगल में रहती है, हमें नहीं बुलाया। जैसे पहले होता है तो किसके घर में उत्सव चल रहा है, आपके घर में सबको निमंत्रण दिया, सबको एक एक कर नहीं बुलाया जाता है, किसको बुलाया जाता है, घर के जो मुखिया जो होता है, कहते देखो हमारे घर में आप भोजन है, आप सपरिवार में आइए, लिखा रहते हैं ना सपरिवार, विद फैमिली लिखा है, बोला किसको, घर के जो मुखिया के नाम लिखा रहता है, आपके कार्य विवाह आदि के कार्य में मुखिया के नाम रहता है, आपके पति के नाम नहीं है, ये पत्नी के नाम नहीं है, किसके नाम है, पति के नाम है, तो पत्नी को बोला तुम्हारे जब बोले तुम जाओ हमारे नाम कहेंगे, ऐसे नहीं होता है, उसमें लिखा रहता है, चलो विद फैमिली लिख देते हैं कोई, और वो भी कोई भी लिखता नहीं है, बस उसको चलो हम जो कह रहे हैं क्या बोला, आगंतुक, आगंतुक शब्द का अर्थ है अतिथि हो जाए जो उसमें हो जाता है। हाँ किस प्रसंग का रहता है, एक शिष्य के लिए आ जाते हैं, किंतु उसमें हजारों जो है उसके आगंतुक रूप में आ जाता है। अभी प्रश्न होगा ये गुरु किसके लिए आए थे, किसके लिए आए, सभी शिष्य कहेंगे मेरे लिए आए हैं, मेन क्वेश्चन हो गया, मुख्य का मुख्य है, किंतु गुरुदेव सबके लिए नहीं आ रहे हैं, वो आए हैं किससे, वो जो गुरु वृंदावन से आए हैं, है जैसे क्या नाम है गोप कुमार के गुरु के नाम क्या है, जयंत, जयंत किसके लिए आए थे, वो केवल गोप कुमार के लिए आए थे, ऐसे और गोप कुमार के एक किया कृपा की, यद्यपि यहाँ पर और कोई चीज़ के नहीं बताया गया, हो सकता है उनके दर्शन में और कितने लोग भी उद्धार हो गए। महाप्रभु किसके लिए आए, किसके लिए, किस लिए नहीं, किसके लिए, वो तो बुलाया, ये सब समझो, प्रश्न उत्तर दो, वो क्या है, एक दो हिंदी में दो शब्द हो रहा है, किसके लिए और किस लिए, किस लिए आए है राधा प्रणय महिमा करें, किसके लिए, एक तो अद्वैताचार्य जी का बताया अभी, वो तो बुलाया ना, अभी तो बोला गुरु उनका परिकर तो है, तो उनका परिकर गुरुदेव कम्स फॉर हिज परिकर और किसके लिए आए, हम कहते हैं किस लिए आए हैं, तो आप तो बताए राधा प्रणय महिमा से दो, किस के लिए, किस लिए और किसके लिए, किसके लिए, और एक अधिवक्ति है, ओनली वन पर्सन, वो विचार करो, इसलिए एक सदगुरु जो आता है, एक क्लू दो, महाप्रभु किसके लिए आए, आप विचार करो, किसके लिए गुरुदेव, क्योंकि आदित्याचार्य का नहीं है तो फिर तो गदाधर पंडित हो गए, स्वरूप दामोदर हो गए, ये तो किसके लिए आए गुरुदेव, बता दो आप विचार करो, हम बता देंगे तुम क्या करोगे, कहाँ मिलेगा, फिर ये भी बता दो, ढूंढ लेंगे, वहाँ ढूंढ लेंगे, इसलिए उसमें भी कह रहे हैं किसके लिए आए, किस लिए आए, तो आपको तो पता चल गया किस लिए आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु, अच्छा ये तो आप जान गए किसके लिए है, ये भी तो प्रश्न होता है ना, तो उसमें भी वर्णन होते जा रहे हैं, है नहीं तो महाप्रभु तो सबके लिए आए होंगे, दिमाग नहीं, इधर थोड़ी दिमाग में घुस जाए, एक के लिए आए गुरु, एक के लिए आता है भगवान, भी एक के लिए आता है, वो भी एक के लिए आए हैं,
दोष के लिखे हुए गुरु, गुरु किसके लिए? चलो प्रश्न महाप्रभु के छोड़ दो, आप इसके इतना सहज नहीं है जो आप बोलते रहो इससे सुनो उससे सुनो, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति अपने अपने अलग जो है सिद्धांत देंगे, वेद भिन्ना मत भिन्ना। भगवान जब गुरु किसके लिए आए, मैंने यह पर जो कार्य जैसे मैंने कह दिया क्या आगंतुक ग्रुप में हम सब जुड़ गए आगंतुक, ये तो आया थे किसके लिए, वो आया किस लिए, किस लिए तो आया गया, थोड़ा जीव उद्धार के लिए तो हो गया, किस लिए और किसके लिए दोनों अर्थ अलग होता है, अलग होता है। प्रश्न पूछो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद केम फॉर भक्ति विनोद ठाकुर, पहले ये प्रश्न पूछो गुरुदेव किसके लिए आए, किसके लिए वही तो हम भी पूछ, तो उसमें तो कह रहे हैं ये भी जटिल प्रश्न है, इतना थोड़ी है विचार भी नहीं करते प्रश्न का, सबसे सभी कर सबसे कहेंगे गुरुदेव मेरे लिए आए, परम गुरुदेव, अरे परम गुरुदेव ना अपने गुरुदेव के लिए बोलो, परम गुरुदेव तो दिखाई नहीं हो छोड़ दीजिए, गुरुदेव आप किसके लिए आए, आप ये पूछ गुरुदेव आप किसके लिए आए, किस लिए आए तो हम समझ गए, आप किसके लिए आए, हर शिष्य तो कहेंगे नहीं कहेंगे, हर शिष्य जो है कहेंगे गुरुदेव हमारे लिए मेरे लिए मेरा उद्धार करने, मेरे उद्धार करने के लिए, यही बोलेंगे सब, किंतु यहाँ पर कह रहे नहीं गुरु एक एक ही है, अच्छा बृहद भागवत खोल करके देखो वही है, वो तो कह रहे हैं जहाँ पर वो ये संबंध आ रहे हैं, क्या बोले संग वो राधा कह रहे, राधा जी कह रही है, गोप कुमार कह रहे हैं, हे जन शर्मा मैं जो प्रसंग तो बताया आपको, यही प्रसंग वो देखना लास्ट में अंतर में जा करके, हे ये राधा जी के कहने पर मैं नहीं हूँ, गोप कुमार है मैं भी, उसमें ये प्रसंग पढ़ा ना, उसमें प्रसंग यही लिखा है जे मैं हे जन शर्मा मैं तो माथुर ब्राह्मण मैं कृष्ण के साथ गोचारण के लिए मैं तैयार हो गया, और उसमें सुंदर डिस्क्रिप्शन है कृष्ण कैसे जा रहे हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन वर्णन करते करते कर रहे हैं, मैं भी कृष्ण के साथ मानो ही चल दिया, इतने समय राधा जी मुझे इंगित करके हिंट्स दे करके अपने तरफ बुलाया, और बुला करके मुझे ये भी कहा, इसमें पढ़ा ना उसमें लिखा है जे हे गोप कुमार स्वरूप आज तुम गोचारण के लिए मत जाओ कृष्ण के साथ, इधर तो कृष्ण बोल दिया जे मेरे साथ चलो, है पहले कृष्ण कहा हमारे साथ चलो गोचारण के लिए, सभी सुखा को बुला करके लेकर ही चले, और गोपाल कह मैं जब चले गए इतने समय राधा जी इंगित करके मुझे बोले कहने लगे हे गोप कुमार तुम आज मैंने स्वरूप तुम आज कृष्ण के साथ गोचारण के लिए मत जाओ, जाओ मर्तधा में तुम्हारे शिष्य जो है वो जन शर्मा है उसके लेकर के आओ, तो उस समय कह रहे हैं है, तो उस समय गोप कुमार कह रहे हैं इस प्रकार राधा के द्वारा राधा जी के द्वारा अधिष्ट होकर के अधिष्ट समझते हो अधिष्ट पा करके मैं ही यहाँ पर आया हूँ, कहाँ पर आया हूँ वही कैसी घाट जमुना के तट पर जहाँ पर मैं अपने गुरु को मिला था वहीं पर भी यहाँ पर आ गया, और मैं ही तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि राधा जी मुझे आदेश दिया तुमको ले जाने के लिए, यही प्रसंग पढ़ो ना बृहद भागवत दिखा देता हूँ, देखो उसमें लिखा है थोड़ा शास्त्र अनुशीलन करो, बुद्धि के राधा जी का आदेश पालन करने के लिए किसी पर्टिकुलर के लिए यहाँ पे आए हैं, कौन पता है कौन जाने, महाप्रभु का तो बता दो, महाप्रभु का तो बता दो, आप पढ़ो ढूंढते रहो साधन करो ना भजन, सब बता तो कहाँ मिलेगा, भजन करते करते सब मिलेगा,
दो एक प्रश्न तक उत्तर आपके सीधी मिल जाता है किसके लिए ना किस लिए महाप्रभु किस लिया है इसको उत्तर तो सभी लोग जानते हैं है? ये आप लोग सब जानते हो और किसके लिए ये पता करना पड़ेगा। अच्छा जो आपने बोला परितान साधु नाम वो भी किस लिए है उसमें वो भी किस लिए किसके लिए नहीं है वो किस लिए है सब किस लिए है ये सब गुण कारण दिखा रहे सब किस लिए क्योंकि ये कारण के वजह से वो आ रहे हैं ना कि साधु का उद्धार करने के लिए किस लिए तो गुरुदेव आपने एक बार बोले कि साधु गुरु सद शिष्य को लेने के लिए आते हैं तो फिर तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें लेने के लिए हम तो सद शिष्य अरे सद शिष्य अच्छा चलो एक बात सद शिष्य हो तो सद ही उसके लिए जाने के वो तो अपने आप चले जाएंगे बिना गुरु के तो नहीं जा सकते बिना गुरु के तो नहीं जाएंगे ना वो भी सद शिष्य तो तभी बनेंगे ना जब सद गुरु का आश्रय करेंगे वरना कैसे सद शिष्य चला जाएंगे वो बिना गुरु बहुत निधि तो देना कोई निश्चित संकर्षण तो है पर शिष्य कौन है कौन हाँ एक बार मथुरा में गुरुदेव अचानक ये शब्द बोल दिया वो टेप है तो देखना है वो आपके वजह सब के तुम्हें खोल पे मर गए गुरुदेव आप बताओ किसके लिए आवा किसके लिए नहीं वो तो मैं गुरुदेव की कथा आपके बता रहा हूँ मैं अपने कुछ नहीं बता रहा हूँ जैसे कृष्ण ये शब्द बोल रहे ना पारायण निर्बंधन समझो ससाधु कृत विभुदे सापी दुर्जन गृह श्रृंखला संविष्ट प्रतिजातु साधुना ये श्लोक कृष्ण किसके लिए बोले राधा जी के गोपियों लिखा है कहाँ भागवत में लिखा है क्या राधा जी के बोले स्पष्ट रूप से नहीं है मगर उसने जो वो तो टीकाकार बोल रहा है टीकाकार तो भाई संस्कृत के इधर से लगा दो उधार से लगा दो बोल देते हैं गोपी शब्द राधा रानी का नाम भी गोपी के राधा जी के नाम गोपी और जसोदा के नाम गोपी नहीं है हाँ भागवत का श्लोक है नहीं वो गोपी नाम भूतम हाँ भाई तुम गोपी वो भी तो गोपी है उसमें लिख रहे हैं जो जो माँ जसोदा के जो भाग प्राप्ति हुई कृष्ण के स्तन पान कराने की बात थी और किसी के नहीं हुआ वो क्या श्लोक है अरे श्रीमद भागवत भागवत के श्लोक है जो है जो ब्रह्मा जी के नियो प्राप्ति हुई है गोपीनाथ उसमें कहते हैं श्रीमती राधा जो माँ जसोदा की जो वात्सल्य भाव के द्वारा कृष्ण के जो स्तन पान करना जो भाग्य हुई और किसी के दर्श किसी के भाग्य नहीं हुआ उसमें गोपी का तो आप बताओ है ये शब्द थोड़े उस स्थल विशेष से समय विशेष के क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द हाँ नोटा तो बाजी भी घड़ी तो बाजी तो कांट है एक कहा जाता है एक संत महात्मा अमेरिका में गए तो उसमें कहते हैं इंडियन हैज नो कॉमन सेंस नो इंडिया हैज नो सेंस अबाउट द टाइम इंडियन हैज नो सेंस अबाउट द टाइम है बोले भारतीय लोग होते हैं ना समय के वो देखता नहीं है उसमें लिख रहे हैं एक्चुअली मैं आपके बता दूँ ये रहे स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के बारे में कथा आ जाता है ये आपकी स्पष्टीकरण करता हूँ तो जहाँ पर वो बैठ जाते थे हरी कथा बोलते थे वो उनके जो ब्रह्म चलो उनके जो फिलोसफी बोलते थे है और कई बार उन्होंने क्या ट्रेन के मिस किया तो उस समय कोई अंग्रेज कहने लगे इंडियन हैज नो सेंस अबाउट द टाइम इंडियन जो है उसके कोई टाइम की कोई ये सेंस नहीं है पंक्चुअलिटी नहीं है इंग्लैंड अमेरिका में एक सेकंड जो है उसमें जो है इंग्लैंड अमेरिका की ट्रेन एक सेकंड में लेट हो जाए उसके फाइन होता है यहाँ तक भी जो है पाँच मिनट लेट हो जाए उसके सारे ये क्या बोले माने लोगों टिकट जो ये बैठते हैं पैसेंजर के उनकी ये भरता देना पड़ता है रिफंड देना पड़ता है उसके यही नियम होता है इसलिए उस देश का जो ट्रेन जो है बिल्कुल पंक्चुअल चलते चलते रहते हैं।
है, एक सेकंड देख, इंडिया में तो बोल दिया चल रहे, और कहीं जाकर खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। हम तो अपने बिजनेस के लिए ट्रेन रुकवा देते हैं, हम ट्रेन रुकवा देते हैं। अगर जजेस लेट हो गए ना, टीटी को बोल के ट्रेन रुक जा 5 मिनट, अभी आ रहे हो, वो ये खींच देते हैं। नहीं वो टीटी तक इशारा नहीं करता ना उनको, वो जो ड्राइवर होता है तो ट्रेन चलती नहीं है, वो झंडा दिखाते हैं ना, झंडा है। इंग्लैंड अमेरिका, इंग्लैंड में जो जो स्पेशल ट्रेन जो होता है ना, बस 10-55 हो गया, 55 होने के बस बिल्कुल सेकंड कांटा लगने के साथ चलते, वो ट्रेन के सामने कोई खड़े हैं वो है वो देख नहीं थे, मरो सब है कि नहीं। फिर उसने जवाब क्या दिया उन्होंने, उनका जवाब क्या दिया, क्या जवाब क्या दिया? ये देखा स्पिरिचुअल, देखिए स्पिरिचुअल एंड इटर्नल, टाइम इज स्पिरिचुअल एंड इटर्नल, समय तो परमानेंट है और निरंतर है, वो घड़ी के कांटा कब नहीं चल रहा, 10 बजे का कौन सा 10 बजे, दिन 10 बजे, रात 10 बजे होता है, इटर्नल होते हैं कि ना, माने चलते जा रहे हैं, 10 बजे आज 10 बज गया, सुबह 10 हो गया, कल सुबह 10 होगा कि नहीं, बस सुबह 10 तो ही होगा, जितने रहे चलता रहता है। टाइम जो वो चलता रहेगा, घड़ी के घंटा चलता रहेगा, ट्रांसेंडेंटल गुरु के पूछो, गुरुदेव बता देंगे। तो आप तो हो ना साधन, यही तो साधन है, कहाँ मिलेगा गुरुदेव ये तो बता दो, वो बिना स्वागत में मिलेगा। आपने बोला कि गुरुदेव से पूछो, महाप्रभु आप सामने बैठे हो, आप बता दो महाप्रभु के लिए, जो गुरु के लिए मैंने कहा है, जो कह रहे उस प्रसंग जो आ रहे हैं है, आयता है। तो गुरुदेव को तो आपने बता ही दिया ना, हिंट तो दे दिया आपने, क्या बता दिया कि राधा जाने के आदेश पर गुरुदेव अपने सच सच्चे को लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, उधर राधे के आदेश है। हाँ वो तो हर एक वहाँ के जो आप मंजरिया है, भजन करते करते ही तो अनुभव होता है, जो मिल गया ठीक है, आप उसमें सेटिस्फाई रहिए, आप तो बता रहे हो ना कि ये गुरुदेव किसके लिए आप आए हैं, हम तो अपनी बुद्धि के अनुसार सेटिस्फाई हो जाएंगे गुरुदेव, हमारी तो छुट्टी नहीं होती है, ऐसे नहीं ना, ब्रह्म परमात्मा की इच्छा करना पटक है ना, तो सही हो ही नहीं पाएगा। आपने बोला कि गुरुदेव से पूछो, आप साक्षात सामने बैठे तो आप प्लीज गुरुदेव, तो रूप गोस्वामी गेम फॉर जीव गोस्वामी ना, तो समझ नहीं, अरे गोस्वामी फॉर जीव गोस्वामी का ये कत शिष्य था, जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी तो ये है, क्या बोले वो तो जीव तत्व नहीं है ना, यहाँ पर कहते हैं ये भगवान अथवा शुद्ध भक्त जो है वो इनके लिए उद्धार के लिए आते हैं, किसको जीव, जीवों के उद्धार के लिए, परिकर का तो है ऑलरेडी है, नहीं तो जीव तत्व है तो सबके कल्याण ही हो गया, तो जीव तत्व कौन से जीव के लिए आए ये देखना है ना, किसके लिए आए, कौन सा जीव है जिसके लिए, रूप गोस्वामी पास जीव से, ये तो मुक्त मुक्त पुरुष है, इन लोग के थोड़ी लिए आते हैं, महाप्रभु किसी परिकर तत्व के लिए तो नहीं, वो तो सब नित्य से थे, ब्रह्मा जी किसके लिए आए, ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व में आएंगे ना, ब्रह्मा जी जीव तत्व में, ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी का हरिदास ठाकुर जी जीव तत्व है। अरे भजन करते करते हरि नाम करते करते पूछो प्रश्न, देखो हर मैं एक कथ बता दूं, हर प्रश्न के उत्तर अपने आप को प्राप्ति होगा, आज समझ में, क्योंकि स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल है, ग्रंथ पढ़े अथवा नहीं भी पढ़े, भजन की प्रभाव से जो है वो अपने आप आपके उत्तर आएगा, और वही के द्वारा आपके शास्त्र क्या उसके प्रमाण देते हैं, कन्फर्मेशन साधन भजन उसी है वो करेगा,
गुरुदेव ने इस बात का उत्तर दिया था या बस ऐसे ही बताया था, मतलब ये पॉइंट बोला था जब मथुरा में बंधन था? क्या दिया ने उसको, सुनो उसे टेप सुनो, YouTube पे है। अरे आपके पूरा बृहद में पढ़ने के लिए दिए, भी तो सेक्शन दिया दिया जी, कहाँ पर जाकर के पढ़, पढ़ा ही नहीं कुछ नहीं, केवल हमारे प्रश्न करने के, कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, हाँ उसके पढ़ो, जैसे पूछ रहे वो कहाँ पर है, कौन सा है उसमें, दादाजी जो आदेश करते हैं, जैसे श्रीमद भागवत में कृष्ण तो ये सब शब्द सबकी बोलते रहते हैं, नौ पारंग निवृत्त दंश है, टीकाकारों ने कह दिया राधा जी के लिए है, किंतु निरपेक्ष रूप में सबके लिए कृष्ण धीर ललित नायक है, परिहास पटो है, उनके चाल कौन मतवाली वो के रखते हैं, तुम चाल कौन मतवाली वो है नहीं, वो क्या वो हिंदी में कीर्तन है ना, है तेरे चाल मतवाली, क्या श्लोक तो हिंदी के कीर्तन है नहीं, हाँ उसमें एक है तुम्हारे चाल मतवाली, और क्या। और गुरुदेव आपने बोला कि भगवान और हमारा संबंध नित्य है, गुरु और शिष्य का संबंध नित्य है, तो भगवान के साथ हमारा किसी स्थायी भाव में एक भाव रहता है, तो गुरु के साथ हमारा किस उसमें वो रहता है संबंध भाव में, जो स्थाई भाव होगा गुरु के साथ एक स्थाई भाव होता है, ये भी सेम फिक्स है ना, जो स्थाई भाव है वो स्थाई भाव तुम्हारी होगा, क्योंकि जोग माया जो है अचिंत शक्ति है, कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति के नाम क्या कहा है, अचिंत शक्ति है, वो अचिंत इनकंसिबल पोटेंशियल अचिंत शक्ति ये सब कार्य कराते रहते हैं, तुम्हारे जो भाव होगा उसी प्रकार सत्संग, उसी प्रकार साधु, उसी प्रकार गुरु आदि आपके मिला देते हैं, ये जो है भगवान अचिंत शक्ति के कार्य, इसके वही कार्य है, सभी लोग भक्ति मार्ग में नहीं आएगा, अच्छा भक्ति मार्ग में आ गए मानो भगवान ने मिला दिए, कौन सा साधु से मिलना है, कौन सा साधु की यहाँ तक भी कहते हैं कौन सा गुरु का आपको प्राप्ति करना है, चलो हम देखते हैं अभी जो अनेक गुरु हैं, अनेक गुरु है, चलो हम लोग गौड़ी मठ में कितने गुरु है, अनेक गुरु है, किंतु एक गुरु उसके उसके मिला, एक गुरु उसके लिए डिफरेंट गुरु क्यों मिला, यदि सबके हम सदगुरु माने हैं, हम किसी के निंदा नहीं करते, सबको सदगुरु मानो, जितने गुरु है सबके सदगुरु मान रहे हैं, चलो भक्ति वेन्द्र नारायण महाराज सदगुरु आ गया, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, ये सब जब प्रकट थे मैं बता रहा हूँ, अब तो असदगुरु नहीं कह सकते, तो आपके नारायण गुरु महाराज मिले, उनके तीर्थ भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज मिले, उनके मिला क्या भक्ति वैभव पूरी महाराज मिले, स्वामी महाराज वो तो पहले चले गए, नहीं जो अभी जो एक्ट जो हम जो बताते जा रहे, तो क्यों ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गुरु क्यों मिले, ये किसने व्यवस्था की, भगवान अचिंत शक्ति व्यवस्था, क्यों ये होता है न, सबकी भावों की कहीं ना कहीं जो है वो रहता है वैचित्र रहता है, इसके तोड़ो इसमें श्रीमद् भागवत में टीकाकार बोलते जा रहे, प्रेम एक वैचित्रमयी, वैचित्रमयी समझते हो, वैचित्र किसको कहा जाता है, वैचित्रता ही प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट कहा गया, वैचित्रमय वैचित्र रहता है जिसमें उसमें रहता है, किंतु कहीं भक्ति कभी जो है व प्रेम कभी जो है वो ये नहीं होता है, क्या बोले जो शब्द में बताता रहता हूँ, क्या बोले, अरे एक जगह स्थिर नहीं रहता, नहीं एक ही भाव नहीं होता है, एक जगह स्थिर भाव नहीं रहता, प्रेम की जो होता है एक वैचित्र में ही कहा गया, वैरायटी है, अच्छा यदि प्रेम वैरायटी हो तो
उसमें एक उत्प्रश्न आ रहे हैं जो अलग अलग कैसे हो जा रहे हैं। नहीं, उसमें कहते हैं सजत्व, उसमें श्लोक आ रहे हैं श्रीमद् भागवत की टीका में, एक आ रहे हैं सजात्व भाव जो है, सजात्व भाव समझते कि नहीं, समान जातीय भाव, तुम्हारे भाव हमारे भाव सजात्व होने पर वहीं पर मित्रता होता है, कॉमन नहीं सजात, अरे इंग्लिश समझ गए, सजात तो किसी सेम एंड सेम मूड होना चाहिए, प्रेम को कह रहे क्या, भाव को कह दिया, कहते हैं क्या, वो शब्द बताया सजातीय, जैसे एक शब्द है ना सजातीय आसा स्निग्ध सत्वर, साधु संग करके समान भाव विशिष्ट शुद्ध भक्त के संग करें, सजातीय स्निग्ध, स्निग्ध माने जिनके हृदय अत्यंत पवित्र निर्मल हो चुका है, सजातीय आसा स्निग्ध सत्वरे, सत्वरे माने वह संत महात्मा तुमसे भी श्रेष्ठ हो, एक एक शब्द के समझो, श्लोक तो पढ़ते हो है, श्रद्धा साधु संघ, साधु संघ में कह रहे क्या, कैसे साधु संघ होना चाहिए, स्वजातीय आशय स्निग्ध सत्वरे, स्वजातीय आशय, एक एक शब्द के तोड़ करके व्याख्या करो, जिसके अन्न ही कहा जाता है, स्वजातीय होना चाहिए, स्वजातीय आशय, आश्रय नहीं, स्वजातीय आशय, स्वजातीय आशय स्निग्ध सत्वरे, क्या श्लोक लिखा है, सजातीय आशय, आशय माने क्या अर्थ है, आशय शब्द का अर्थ क्या होता है, श्लोक है तुम्हारे पास, लिखो खोलो, आश्रय नहीं है, सजत आशय, लिखो श्लोक पढ़ो पहले, भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक है, साधु संग कैसे करे, जैसे जैसे साधु के थोड़ी करे, जातीय आशय स्निग्ध सतुवरी श्रीमद भागवत नाम रस अश्रद्धते, साधु संग कार्य इसमें क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, स्वजातीय आशय, संस्कृत देखो इसमें, तो हिंदी में क्या बोले, इंग्लिश में क्या लिख देते हैं, आश्रय नहीं, स्वजातीय आशय, आशय माने अंतकरण, समान अंतकरण भाव विशिष्ट, क्या बोला, समान अंतकरण भाव विशिष्ट, भाव विशिष्ट साधु संग होनी चाहिए, इसमें लिखा क्या, हिंदी लिखा, एक मिनट देख रहा हूँ, 1.2.91 भक्ति रसामृत सिंधु, आपके पास में ग्रंथ है, मेरा मोबाइल है ना, सजातीय आशय स्निग्ध सतु बरे, आश्रय नहीं आशय, आश्रय और आशय दोनों में अंतर, यही तो आपके प्रोनाउंसिएशन अलग बोल रहे हैं ना, आश्रय और आशय एक नहीं है, आश्रय तो होता किसी का आश्रय, आशय आश्रय शब्द के मैंने टेक सेल्टा, मैंने उसे आश्रय लिया, और आशय हिंदी देखो बार संस्कृत, आशय इंग्लिश छोड़ दो, इंग्लिश में तो अपने कुछ बोल देते हैं, उसे क्या होता है, उनके प्रोनाउंसिएशन थोड़ी होता है संस्कृत, वो तो अपने जहाँ पर लगा दिया, should associate with devotees who are more advanced than oneself, who possess similar sentiments for Bhagwan, so same sentiments.
आश्रय लिखा है कि आशय लिखा है? आशय लिखा है, इसमें आशय लिखा है, मैं इसमें देखा। सब इंग्लिश पढ़ते हो ना इसलिए? नहीं गुरुजी, हिंदी में ये ग्रंथ निकालने में साधु संघ में दिखाना। आशय कहा जाता है, आशय माने अंतकरण, सजातीय आशय स्निग्ध सतुवरी। समान अंतकरण भाव विशिष्ट है, लाइक माइंडेड। इंग्लिश एक्चुअल सम लाइक माइंडेड सिमिलर, किंतु हम संस्कृत में उसकी व्याख्या करके देखिए, सजातीय आशय। अभी श्लोक भी नहीं मिल रहा तुमके, साढ़े नौ से जा रहा है ना। सजातीय तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे चैतन्य चैतामृत में तो श्लोक है। तो लेखन संस्कृत देखो, क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत नाम असाधु रसिके ईशो स्वजेति आशय लिखा है ना, आश्रय नहीं, आशय आश्रय रफला देने से अलग अर्थ हो जाता है। ये देखो इसको अच्छी तरह से आशय स्वजातीय साजातीय आशय, आशय शब्द होता है, आशय शब्द का अर्थ है अंतकरण, इनर कोर्ट ऑफ हार्ट, इनर कोर्ट ऑफ हार्ट, जिसे कहते हैं आशय। हृदय के कोने से, कोर ऑफ द हार्ट, कोर ऑफ द अंतकरण, अंतकरण, इनर कोर्ट ऑफ हार्ट। सो सिमिलर लाइक वंस ओन, इसलिए स्वजातीय आशय, आशय शब्द है, स्वजातीय आशय स्निग्धि साधु संग सतुवरी। इसलिए कहने समान भावना विशिष्ट सजातीय, किंतु सजातीय तो नहीं होता है। उसमें टीकाकार कहते हैं सजातीय आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, यदि सजातीय तो मिले तो ये प्रेम वैचित्र नहीं रहेगा। ये भी बहुत कठिन है, इसको सबने बोल दिया था, शब्द ही कठिन है। भागवत तो पढ़े, भागवत में ये लिखा है, मैं दिखा देता हूँ, उसमें भी ये है। एक और भी लगा, ये तो भक्त सामृति सिंह जी के श्लोक है, भागवत रेफरेंस दिया रेफरेंस दिया। लास्ट क्वेश्चन, सो गुरुदेव ओनली कम्स फॉर जीवा तत्व, वन जीवा तत्व, नॉट नित्य सीधा। आप अपने अपने देखो, हम लोग पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर ये कहते थे, देखो बंदर है ना, बंदर जो है एक पिंजड़े में है, उसमें कहीं पिंजड़े में ऐसे रखा गया है, उसके पैर लगा तो वो दरवाजा खोल जाता है, बंदर के पता नहीं है, बंदर ऐसे चलते चलते कहीं नहीं कहीं वो पत्थर लगे अचानक खोल गया। तो इसलिए आपके पता नहीं है कौन सा है कौन सा, इसलिए आप लोग बोलते रहो।
नहीं, ये ग्लू भी ठीक नहीं है, गुरुदेव हंस रहे हैं इस पे, मैं ग्लू ठीक नहीं है, देखो देखो गुरुदेव की हंसी से पता चल रहा है ग्लू ठीक नहीं है। जीव तत्व के लिए आए, जीव तत्व के लिए आए, ये बात नहीं, गुरुदेव की हंसी देखो अभी भी देखो, नहीं आए देखो, सब जीव सब शिष्य सोचते हैं मेरे लिए गुरुदेव आए, अभी बात सब शिष्य सोचते हैं गुरुदेव हमारे लिए आए, हमारे लिए ये आया किस, किंतु इसमें कह रहे हैं हम देखो से बुझे भारत में पढ़ पहले भी होते पढ़ कर देखो, मैं तो आपको ये बोल दिया, क्या बोले रोटी को गर्म ही उसी टाइम निकालना, हां एवरीथिंग रेडी, सब कुछ रेडी हो गया, हां मैं जा रही, चलो मैं चल ये ऑफ कर दो दीदी, ये बंद करना।